हेलो हाय नमस्कार। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 4 हिंदी चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक। तो ये चैप्टर हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसका क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पहले इसका सारांश देखते हैं। दोस्त की पोशाक कहानी का सारांश। नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने दोस्त के साथ मोहल्ले में घूमने की इच्छा जाहिर की। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकते। इतना सुनना था कि नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। बंठन करके दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से अपने दोस्त का परिचय कराते हुए उन्होंने यह भी बता दिया कि दोस्त द्वारा पहनी हुई अचकन उनकी है। यह सुनकर जमाल साहब का मुंह बन गया। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े भी नहीं है। नसीरुद्दीन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब नसीरुद्दीन ने अपनी दोस्त को हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा कि पोशाक के बारे में कुछ नहीं कहना ही अच्छा है, अतः तुम इस विषय में चुप रहोगे। नसीरुद्दीन जमाल साहब को लेकर आगे बढ़े और एक अन्य पड़ोसी से उनका परिचय करवाया। ये है मेरे बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब, इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये थी इस कहानी का सारांश। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, तो इस शब्दार्थ को अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लो, या फिर अपनी कॉपी निकल के वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो, या फिर कोई और वर्ड्स है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है, कोई शब्द और है जिसका अर्थ आपको पता नहीं है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका अर्थ लिख दूँगी। गपशप यानी कि बातचीत, बंठन कर सजधज कर, मुलाकात वेंट, मामूली साधारण, परिचय करवाना, किसी को किसी से मिलवाना और उसके बारे में बताना। तो यही तक है शब्दार्थ। इतनी ही मुझे डिफ़िकल्टी लगी, इसीलिए मैं यही बता रहा हूँ। देन हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, इस कहानी का सॉल्यूशन करेंगे। क्लास क्या है पहले से बोली हूँ, क्लास 4 हिंदी चैप्टर 5, ठीक है। और इसका हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। सारांश खत्म होगी, शब्दार्थ खत्म होगी, अभी हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पाठ्य पुस्तक से जो भी हमें प्रश्न मिलेगा उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला आएगा तुम्हारे सवाल। तो देखते हैं कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, फिर कॉपी में उनके उत्तर भी लिखो। तो चलिए हम लिखते हैं। पहले प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 1, आप बुक में प्रश्न 1, 2, 3, 4 करके वहाँ पर लिख देना 5 प्रश्न। अगर मैं जो प्रश्न पूछी हूँ उससे और कोई अलग प्रश्न आया तो वो आप भी लिख सकते हो, लेकिन उसका उत्तर मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। तो प्रश्न 1 क्या है, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? उत्तर, नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। प्रश्न नंबर 2, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया? उत्तर, क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक पहन रखी थी। तीसरी पर सवाल, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया? उत्तर, जमाल साहब नसीरुद्दीन की अचकन पहनकर उनके मोहल्ले में घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से उनका परिचय करवाते हुए नसीरुद्दीन ने कहा, उन्होंने जो
अचकन पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया ये एक मुहावरा है और इसकी अर्थ आगे है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसका अर्थ क्या है। तो चलिए धीरे धीरे हम देखते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। देन प्रश्न नंबर 4, नसीरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी? उत्तर, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफ़ी मांगी। प्रश्न 5, क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की? उत्तर, नहीं, दरअसल वह कम बुद्धि वाला आदमी था, उसे इतनी समझ नहीं थी कि कहाँ पर कैसी बात करनी चाहिए, इसलिए वो कभी भी कुछ भी बोल देता था। देन हम डिस्कशन करेंगे तुम्हारी बात। तो यहाँ पर क्या आते हैं, चले देखते हैं। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बंठन कर घूमने के लिए निकले। का तुम बंठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ? अगर मुझे पूछा गया तो मैं ये लिख देती हूँ, बंठन कर में, विवाह समारोह में, जन्मदिन समारोह में तथा मॉल में जाता हूँ। देन खा नंबर, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? उत्तर, मैं नए कपड़े और जूते पहनकर बनता ठंडा हूँ। तुम्हारी समझ से अब ये डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न, किसने मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? उत्तर, जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ ना कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया? देन दूसरा प्रश्न, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? उत्तर, जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसीलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़े पहनकर घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। देन तीसरा प्रश्न, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? उत्तर, नसीरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे, वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। यहाँ पर करने लिख देना, ठीक है, यहाँ पर लिख देना करने। ठीक है, करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। नेक्स्ट गपशप, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर गपशप कैसे करते हैं। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी लिखकर बताओ। पहले हमें दिया गया है 2 लाइन, उसके बाद हमें खुद ही फिलअप करनी है। फर्स्ट, बेगम कौन आया था? हुसैन साहब बोले, नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। देन बेगम क्या बोले, हमें ये सब बातचीत पूरी करनी है खुद ब खुद। तो चलिए हम अपने मन से पूरी करते हैं। बेगम, किस दोस्त के साथ? हुसैन साहब, जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था। बेगम हंसते हुए, तब जरूर ही वो अचकन इसकी उसकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब बोले, हाँ हाँ, उसने तो नसीरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी। तो हुसैन साहब वही बोले कि हाँ हाँ, उसने तो नसीरुद्दीन की ही अचकन पहनी हुई थी। देन हम करेंगे घूमना फिरना के बारे में डिस्कशन। अगर वो बातचीत आपको छोटी लग रही है तो आप चाहे तो और भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, अगर आप बढ़ाना चाहते हो उनकी बातचीत। तो चलिए, घूमने फिरने के अंदर क्या आता है। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने लगे ले गए। जब तुम अपने दोस्त से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? उत्तर, में जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ तब उनके साथ खाता हूँ, पीता हूँ, उन्हें साथ लेकर पार्क में घूमने जाता हूँ और उनके साथ खेलता हूँ। अगर लड़की हो तो ये होगा, मैं जब अपने दोस्तों से मिलती हूँ तब उनके साथ खाती पीती हूँ, उन्हें साथ लेकर पार्क में घूमने जाती हूँ और उनके साथ खेलती हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट
करके दिखाओ के अंदर हमें क्या करने को बोला गया है। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। तो यह आपका होमवर्क है, घर में करेगो, घर में करोगे आप सब लोग, या फिर चाहे तो आप अपने क्लास में भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी ये कर सकते हो, चाहे तो क्लास में दोस्तों के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। बंठन कर घूमने के लिए निकलना, दिन घड़ों का पानी भरना, दिन मुंह बनाकर शिकायत करना, गर्म जोशी से स्वागत करना, नाराज होना, दिन देखते ही रह जाना। तो इन सब का अभिनय आप अभ्यास करो घर में या फिर अपने क्लास में अपने टीचर और अपने दोस्तों के साथ। दिन घड़ों पानी पड़ना, यहाँ पर देखते हैं इसका क्या दिया गया है। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश भी देख सकते हो। तो उत्तर है कि इसका अर्थ है शर्मिंदा होना। इसका अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना। तो घड़ों पानी पड़ने का अर्थ यह है कि शर्मिंदा होना, ये अच्छे से याद रखना। देन ख नंबर, इन मुहावरों को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो, जैसे कि सिर मुंडाते हुई ओले पड़ना, ऊँट के मुंह से उसे ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधार, ईद का चांद, ये सब आपको स्वयं करना है। ठीक है, ये इसका चित्र आप चाहो तो चारों का चित्र कर सकते हो या फिर चाहो तो किन्हीं दो के चित्र कर सकते हो। अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो आप लोग ये दोनों कर लो, अगर ये सब नहीं करेंगे तो ये दोनों कर लो, या फिर ये दोनों कर लो, या फिर चारों के चारों कर लो। आप चाहे जो भी कर सकते हो, या फिर उनको छोड़ के अलग कुछ आए तो यहाँ पर भी वो चित्र कर सकते हो। मैं आपके लिए पेज छोड़ चुकी हूँ। दिन कौन है कैसा, कौन है कैसा के अंदर क्या आता है। नसीरुद्दीन एक वर्ड के लिए अचकन निकाल कर लाए। वर्ड के लिए शब्द बता रहा है कि अचकन कैसे थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो, उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखे कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। पुराना दोस्त जो कि आपके बुक में ऑलरेडी दी गई थी। नेक्स्ट, अन्य पड़ोसी, अपने कपड़े, मामूली पोशाक, अपनी अचकन, इतनी सी बात, खास दोस्त, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारी अकल। ठीक है, तो ये सब आप अपने कॉपी में या फिर बुक में लिख सकते हो। ठीक है, बुक में लिख सकते हो। तो चलिए, देन कह दिया भड़कीली और पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण शब्द, क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, विशेषण कहते हैं, ग्रामर में पढ़े होंगे विशेषण किसे कहते हैं। देन पास पड़ोस, पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो। चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। चलो कौन सी बातें देखते हैं। घर में कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या क्या है, उनकी आयु क्या है और वे क्या काम करते हैं। तो इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। ठीक है, और भी अगर आपको सवाल जोड़ना है तो आप बेझिझक होकर जोड़े, और चाहे अगर आपको जानकारी है तो खुद ब खुद उनका आंसर लिखें, अगर नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें। नेक्स्ट, शब्दों का हेर फेर, शब्दों का हेर फेर फास्ट आया झूठा झूठा। तो चलिए इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं, झूठा झूठा।
जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्द के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। घड़ा गढ़ा, तो घड़ा, आज मैंने मिट्टी का घड़ा खरीदा। गढ़ा, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। घूम झूम, घूम, मैं अभी अभी घूम कर आया हूँ। झूम, विशाल के जन्मदिन समारोह में सभी मस्ती में झूम रहे थे। नेक्स्ट, राज और राज, तो राज का मतलब भारत में अंग्रेजों का राज था। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग, यहाँ पर रॉ में आ कर दीजिए। ठीक है, ये वाला कट। राज कहो तो मैं उसके राज की बात बता। ठीक है, देन फोन, फोन, देन फोन, मेरा दोस्त कार्टून बनाने के फोन में माहिर है। फन, सांप का फन देखो। ठीक है, दोनों में अंतर है। सजा, सज्जा, तो देखिए सजा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था। सजा, गलत करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। खोल, 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 वह खिड़की खोलकर छोड़ दिया। खोल, आग पर पानी खोल रहा है। ठीक है, तो यहीं पर ख़त्म होती है आपकी ये चैप्टर की ऑल क्वेश्चन आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।